और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। सपा चीफ अखिलेश यादव की बेटी का सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाया गया है। अखिलेश यादव की बेटी के नाम पर अकाउंट बनाने वाले पर अब FIR भी दर्ज करवा दी गई है। सपा नेता रमा यादव ने केस दर्ज करवाते हुए एक्शन की मांग की है। फर्जी अकाउंट बनाने वाले अभिषेक यादव के खिलाफ पुलिस एक्शन करेगी। अकाउंट को बंद कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव की बेटी का सोशल मीडिया अकाउंट चर्चाओं में था। अभिषेक यादव नाम के शख्स ने ये अकाउंट बनाया था, जो लगातार अखिलेश यादव की बेटी के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था और लोगों की प्रतिक्रियाएं ले रहा था। अकाउंट काफी लोकप्रियता भी हासिल कर रहा था। लोगों को लग रहा था कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेटी का ये अकाउंट है, तो लोग उनके साथ लगातार जुड़ रहे थे। लेकिन अब सच्चाई खुलकर सामने आ गई है और ये अकाउंट फर्जी बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ सपा नेता रमा यादव ने केस दर्ज करवाते हुए आरोपी के खिलाफ एक्शन की मांग की है। जब से FIR दर्ज हुई है, उसके बाद से पुलिस भी लगातार सक्रिय है और मामले में एक्शन लेते हुए अकाउंट को बंद करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की बेटी के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया गया। इस फर्जी अकाउंट से कई नेताओं को फॉलो किया गया और कई नेताओं ने फॉलो बैक भी किया। अकाउंट अभिषेक यादव नाम के शख्स ने बनाया था, जिसके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। अकाउंट पर हर रोज समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई सामग्री पोस्ट की जाती थी, अलग अलग पोस्ट किए जाते थे और लोग भी इन पोस्ट पर प्रतिक्रिया इसलिए देते थे कि उन्हें लगता था कि ये अखिलेश यादव की बेटी का अकाउंट है। लेकिन अब सच्चाई खुलकर सामने आई है, उसके बाद से सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है और पुलिस मामले में सक्रिय हो गई है और पुलिस ने अकाउंट को बंद करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव की बेटी के नाम से बना ये सोशल मीडिया अकाउंट चर्चाओं में छाया हुआ था और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे थे। इस सोशल मीडिया अकाउंट पर नेताजी के नाम से पोस्ट की गई, डिंपल यादव से जुड़ी हुई पोस्ट की गई और अखिलेश यादव से भी जुड़ी हुई पोस्ट की जाती थी। साथ ही समाजवादी पार्टी की जो भी बैठकें हो रही थी, जो भी अधिवेशन हो रहे थे, उनसे रिलेटेड भी इस पे पोस्ट किए जाते थे और लोग अलग अलग तरह से इस पर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे थे। लेकिन मामले पर सपा नेता रमा यादव ने मोर्चा संभाला और उन्होंने FIR दर्ज करवाते हुए इसे बंद करवाने की मांग की है। फर्जी अकाउंट बनाने वाले अभिषेक यादव के खिलाफ अब पुलिस एक्शन ले रही है। अकाउंट बंद करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ भी की जाएगी कि आखिर उसकी मंशा क्या थी इस अकाउंट को बनाने के पीछे। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। अखिलेश यादव की बेटी के नाम से बनाए गए फर्जी अकाउंट को बंद करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सपा नेता रमा यादव की तरफ से जब मामले पर संज्ञान लिया गया, FIR दर्ज करवाई गई, उसके बाद अब इस पर पुलिस विभाग सक्रिय दिखाई दे रहा है।